मेरे सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन मेरे पास दोस्तों पैसा नहीं था, एजुकेशन नहीं था, बैलेंस शीट समझती नहीं। मैं एक रिश्तेदार से दोस्तों 50,000 रुपये मांगने गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपके घर के पेपर लाइए, मैं आपको पैसे दिला के देता। मेरे समाज में मुझको बहुत बार बोला कि भाई हम तो बस्ती में, इनको लोन नहीं मिल सकता। मुझे भी बहुत सारे लोग कैसा काम करेगा, कैसा सक्सेस हो, लेकिन मेरे अंदर इतना जुनून था, इतनी जिद थी, इतना अक्ल लगाया, अपने दिमाग लगाया और अपना रिस्क लिया। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। क्या आपने सोचा है कभी एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला, या कार वॉशिंग करने वाला, या रेलवे स्टेशन पर संतरे बेचने वाला 1 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर सकता है? हाँ, मैंने वो कंपनी आज 1 करोड़ रुपए की खड़ी की है। उस कंपनी का नाम है अश्मी रोड कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, मेरा नाम प्यारे खान। नागपुर के एक सलम एरिया से कहानी शुरू होती है, जहाँ मेरा जन्म हुआ, जहाँ मैं रहता था। मेरे सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन मेरे पास दोस्तों पैसा नहीं था। 2001 तक तो मैं ऑटो रिक्शा या संतरे बेच के अपना गुजर बसर कर रहा था, या गाड़ी वॉशिंग करके। चलते चलते 2004 का समय आ गया। 2004 में मैंने सोचा कि कुछ बड़ा करते हैं। उसके लिए पैसे की ज़रूरत थी, पैसा था नहीं मेरे पास। अब बड़ा बिजनेस करना है तो आप रिश्तेदार हो या दोस्त हो, 20-25 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख रुपये दे सकते। मेरे भी साथ ऐसी हुआ। मैं एक रिश्तेदार से दोस्तों 50,000 रुपये मांगने गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपके घर के पेपर लाइए, मैं आपको पैसे दिला के देता। उसी दिन दोस्तों मैंने सोच लिया कि अगर रिश्तेदारी किसी से करूँगा तो बैंक से करूँगा। तो बहुत सारी बैंकों में मैंने अपनी अलग अलग फाइलें दी, बहुत जगह धक्के खाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2004 में एक पहला बैंक था जो ING वैश्य बैंक, जिसने मुझे पहला 11 लाख रुपए का लोन दिया। बहुत सारी बैंकों ने रिजेक्ट करने के बाद, वो भी बैंक वाले घर पे आए, घर में आने के बाद उन्होंने कहा मुझसे कि भाई आप तो सलम में रहते हो, हम आपको इतना बड़ा लोन कैसा दें। उन्होंने भी लोन को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद 2 दिन के बाद मेरे को फ़ोन आया कि अगर हमने आपको लोन दिया तो आप क्या लोन चुका दोगे? तो मैंने उनसे कहा कि हाँ सर, अगर आपको मेरे पर विश्वास है तो लोन ज़रूर दीजिए, मैं चुका दूँगा। उन्होंने 11 लाख रुपये का मुझे लोन दिया। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। 2004 में दोस्तों मैंने पहला ट्रक लिया। पहला ट्रक लोन पे लेने के बाद उसको रास्ते पे ले आया। रास्ते पे लेके आने के बाद उसको चलाना शुरू किया। वो 6 महीने बाद उस ट्रक का इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मेरे दोस्तों ने कहा कि आप बर्बाद हो चुके हैं, आप इस लाइन से हट जाइए, ये आपके बस का नहीं है। दोस्तों, हमारे धंधे में ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी से दुश्मनी निकालनी है तो उसको ट्रक दिला दो, लेकिन मेरे अंदर इतना जुनून था, इतनी जिद थी। उस ट्रक को मैंने जहाँ से एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से उसको लेके आया नागपुर, वापस बनाया, उस ड्राइवर को हॉस्पिटलाइज करवा के उसको ठीक किया और वापस से मैं रोड पे आया। तो ऐसी मेरी शुरुआत हुई। धीरे धीरे करके काफ़ी ट्रक खरीदने लगे, छोटे मोटे काम लेने लगा। ये सिलसिला 2013 तक चलता रहा। धीरे धीरे हमने काम, चैलेंजिंग काम करना शुरू किया, जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क एक भूटान में मैंने दोस्तों काम किया है, जहाँ पे इंडिया के सारे ट्रांसपोर्टरों ने उस काम को करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो स्टिकल गेट था। मटेरियल की हाइट थी 17.5 फीट और उस गेट की हाइट थी 13.5 फीट। तो इंडिया के सारे ट्रांसपोर्टर ने बोला कि उस गेट को तोड़ के हम मटेरियल को उस पार नहीं ले जा सकते। तो दोस्तों, मैंने अपना अकल लगाया, अपनी दिमाग लगाया और अपना रिस्क लिया। मेरे को 24 घंटे का परमिशन मिला था, खुद भूटान गया, उस गेट से ज़मीन को 4 फुट नीचे खोदा और उस मटेरियल को मैंने भूटान गवर्नमेंट के अंदर पास करवाया और भूटान गवर्नमेंट से परमिशन लिया। और ये भूटान कॉरपोरेशन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो हमने कंप्लीट किया। वहाँ से फिर हमारी कंपनी को पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, यहाँ पे हम सब जगह काम करें। आज हमारी कंपनी के पास 250 ट्रक है दोस्तों। दोस्तों, दुनिया में मैंने 3 बातें बहुत सुनी हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, डर के आगे जीत है, और जो काम करने का मन ना करे वो कभी ना करे। दोस्तों, ये तीनों चीज़ गलत है। डर के आगे हमेशा दर्द है। जो काम करने का मन ना करे वो पहले करो, और कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना नहीं पड़ता है। सक्सेस क्या होता है दोस्तों? सक्सेस ये है, एक एरोप्लेन को देखिए, वो सबसे सेफ एयरपोर्ट की पार्किंग में, जब तक वो आसमान में ना उड़े, आसमान का सीना ना चीरे, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं। एक पानी का जहाज ले लीजिए, जो सबसे सेफ किनारे पे है, जब तक वो समंदर का सीना ना चीरे,
तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं। दोस्तों ये बिजनेस भी उसी तरीके से, मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैसा काम करेगा, कैसा सक्सेस होगा, लेकिन मैंने उनका किसी का नहीं सुना। मैं आगे बढ़ता गया, करता रहा, मैंने सक्सेस के बारे में नहीं सोचा, मैंने सिर्फ काम के बारे में सोचा। दोस्तों धंधा कोई भी छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आप छोटे से छोटा बिजनेस कर सकते हैं, उसमें आप कितना अच्छा कर सकते हैं ये आपके ऊपर है। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा सक्सेस। आप पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए। मेरा तो एजुकेशन भी नहीं था दोस्तों, मैं मैट्रिक फेल हूँ। दोस्तों किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला फंड, प्रॉपर मैनेजमेंट, दूसरा अच्छी सर्विस और तीसरा कॉन्फिडेंस। तो ये तीनों चीज़ ऐसी है जो बिजनेस को सक्सेस बनाती है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आज इस कंपटीशन की दुनिया में आप कैसे काम करते हो, इतना कंपटीशन है आप कैसा काम करते हो। तो दोस्तों मेरा उनसे कहना है, मैंने ऑफिस में अपने दो लाइन लिख के रखी है, कॉन्फिडेंस हैज नो कॉम्पिटिशन। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो दुनिया में आपका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। आप हमेशा उनसे अलग करने की सोचिए। जब आप उस भीड़ से अलग करोगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत, कोई कंपटीशन आपको रोक नहीं सकता। आई एम अहमदाबाद में मुझसे कहा गया था दोस्तों कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो हजारों लोगों ने, कई लोगों ने अलग अलग टाइप के जवाब दिए कि ये चैलेंजेस आते हैं बिजनेस में, वो चैलेंजेस आते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। दोस्तों मुझसे जब लास्ट में पूछा गया कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो मैंने जवाब था मेरा उनसे, सबसे बड़ा चैलेंज ही कोई चैलेंज नहीं। तो कोई भी दोस्तों कंपटीशन नहीं है, सिर्फ आपकी सोच होनी चाहिए कि दुनिया में ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है और मैं सबसे अलग हूँ। दूसरा दोस्तों फंड मैनेजमेंट। फंड का ऐसा था दोस्तों, बैंक वालों से राय लेना शुरू किया कि भाई आप लोन कैसे देते हो, आपका क्राइटेरिया क्या है और मुझे लोन कैसा मिलेगा। एजुकेशन नहीं था, बैलेंस शीट समझती नहीं थी, लेकिन सीखता गया। ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई भी चीज़ सीखने के लिए एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। दोस्तों मैंने पता किया कि बैलेंस शीट में नेटवर्क बढ़ाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, गवर्नमेंट को टैक्स, यदि आप गवर्नमेंट को 2 रुपये दोगे तो वो आपको 200 रुपये देंगे। तो धीरे धीरे करके मैंने बैलेंस शीट को स्ट्रांग करने दिया। दोस्तों मेरी सोच तब भी वो थी, जब मैं ऑटो रिक्शा चलाता तब भी मैं गवर्नमेंट को 500 रुपये टैक्स भरता था, तब भी मेरा रिटर्न जाता था जब मैं ऑटो चलाता था, और आज तो 5 करोड़ के ऊपर भरता हूँ टैक्स। तो मैंने पेपर इतने स्ट्रॉन्ग कर लिए कि आज मेरे को 100 करोड़ की भी जरूरत पड़ी तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती, विद इन 1 आवर्स में मेरे को दोस्तों लोन मिल जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा सर्विस। सर्विस देते समय आप पैसे के बारे में ना सोचें। टाटा स्टील एक बहुत बड़ा उदाहरण है मेरे लाइफ में, केएसी इंटरनेशनल एक बहुत बड़ा उदाहरण है मेरे लाइफ में, और सांगवी मोर्स, इन कंपनियों के लिए दोस्तों मैं काम करता हूँ। मेरा बहुत छोटा सा काम था, कहीं 2 करोड़, कहीं 50 लाख, कोई 25 लाख। JSW में तो मैंने 2013 में सिर्फ 5 लाख का काम लिया था। नागपुर में किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि एक सिंगल वर्क ऑर्डर 600 करोड़ का हो सकता है। जिस कंपनी को मैंने 5 लाख रुपए से सर्विस देना चालू की, उसने मेरे काम को देख के 50 लाख का वर्क ऑर्डर दिया। 50 लाख से उसने 1 करोड़ किया, 1 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 19 करोड़। 19 करोड़ तक दोस्तों मैंने इतनी अच्छी सर्विस दी कि उसने मुझे वर्क ऑर्डर 50 करोड़ का दिया, और 50 करोड़ का जैसे ही काम ख़त्म किया तो 600 करोड़ का वर्क ऑर्डर दे दिया। आज मैं JSW स्टील के साथ 600 करोड़ का काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों अच्छी सर्विस आपको बहुत ऊपर, जब मैंने काम करना शुरू किया था तो तब मैंने ये नहीं देखा था कि कितना पैसा बच रहा। मैंने सिर्फ अच्छी सर्विस दी लोगों से, एक भीड़ से अलग कुछ करके दिखाया उनको, तब जाके उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। दोस्तों हमारे देश में कहा जाता है कि जातिवाद है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, बच्चों को डीमोटिवेट करते रहते कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आपके ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे समाज ने भी मुझको बहुत बार बोला कि भाई हम तो मुस्लिम हैं, इनको लोन नहीं मिल सकता। दोस्तों ये गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया बनाया, यहाँ कोई जातिवाद नहीं है। आप उस एरिया में फिट बैठिए, आपको हर कोई सेक्टर, हर कोई आपको सपोर्ट करेगा लोन देने। सोचिए कि एक सलम एरिया में बैंक के 1 लाख रुपए का लोन नहीं देती थी, आज मुझे 150-200 करोड़ का लोन दिया। इंडिया की बाहर की बैंक ने मुझे 100 करोड़ का, स्विस बैंक ने मेरे को 100 करोड़ रुपए का लोन दिया, और आज मुझे हमारी कंपनी को मुझे IIM समेत 150 अवार्ड मिल चुके हैं, जो भारतीय मानतम पुरस्कार से एक बहुत बड़ा पुरस्कार जाना जाता है एशिया का, वो भी मुझे मिला। IIM अहमदाबाद में का विनर हूँ मैं, आनंद महिंद्रा जी से बहुत बड़ा अवार्ड मिला है मेरे को, महिंद्रा ट्रक के मालिक, और भी ऐसे बहुत सारे अवार्ड है जो मुझे
छोटे बड़े मिला के 150 अवार्ड मिले, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की भी तरफ से मेरे को 2 अवार्ड मिले गडकरी साहब की तरफ से, तो ऐसे काफ़ी बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। इसी के साथ दोस्तों, जाते जाते मैं अपने 2 शब्द ख़त्म करूँगा और अपनी लाइफ पे एक शेर बोलूँगा। राहों की जहमतों के तुम्हें क्या सबूत दूँ, मंजिल मिली तो पाँव में छाले नहीं रहे। जय हिंद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।